आइए। सो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, राइट? सो नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। सर ये तो किया हुआ है बेटा, ये जो किया हुआ है इसे आपको मतलब नहीं है, राइट? मैंने इस सम को इसलिए करके रखा है आपके लिए क्योंकि ये सम बहुत बड़ा है, इसमें कैलकुलेशन पार्ट है, सीखने लायक ऐसा कुछ है नहीं हम लोगों के बीच। तो रैदर देन वेस्टिंग आवर 1 आवर टाइम इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एंड मेकिंग यू अंडरस्टैंड, इट्स बेटर मैं 20 मिनट आपको इसको समझाऊं। नाउ इस टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो इसका लेंथ देख के बच्चा लोग घबरा जाएगा। पहला बात तो अगर आप देखिए, ऑलमोस्ट इट हैज टेकन पूरा करीबन ये आपका आधा और इधर में ऑलमोस्ट 1.5 पेज का समय ये, राइट? तो इसको प्रॉपरली पढ़ना और फिर करना एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर ये आएगा भी तो मेरे ख्याल से मिनिमम 15 से 20 मार्क्स का ये सम आएगा, बिकॉज आजकल जो पेपर आ रहा है उसमें पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन वो लोग नहीं दे रहे, दे आर ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, 5+5+10 और 10+10, जैसा भी रहेगा। बट अगर आप सम को केयरफुली पढ़ेंगे ना तो सम में ऐसा कुछ है नहीं, इट्स वेरी सिंपल। बेसिकली इसमें एलोकेशन का पूरा खेला है, राइट? कॉस्ट को अपने को प्रॉपरली एलोकेट करना है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में इसी टाइप का सम्स होता है। तो सम अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सम में क्या लिखा है देखिए, AD हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफर्स 11-12 स्टैंडर्ड इन 3 स्ट्रीम्स, कॉमर्स, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। हायर सेकेंडरी के साथ उनका प्राइमरी और सेकेंडरी क्लास भी चलता है, बट हायर सेकेंडरी को उन लोगों ने एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना रखा है। मैनेजिंग कमेटी हायर सेकेंडरी का फीस को रिवाइज करना चाहती है। अकाउंटेंट ऑफ द स्कूल हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स फॉर अ ईयर। अकाउंटेंट ऑफ द स्कूल, नाउ स्कूल मतलब पूरा स्कूल, राइट? टीचर सैलरी है, 15 टीचर है, प्रिंसिपल सैलरी है, लैब जहाँ पे साइंस से रिलेटेड होता है ये, लाइब्रेरी स्टाफ का सैलरी है, सैलरी टू पियॉन्स है, सैलरी टू अदर स्टाफ है। मैं सब कॉपी करने का टाइम दूंगा आपको, कुछ नहीं करना है। एग्जामिनर एक्सपेंडिचर है, एग्जामिनेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, एनुअल एक्सपेंसेस है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है। उसके बाद आपको देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर स्ट्रीम का दिया हुआ है और प्राइमरी एंड सेकेंडरी का भी दिया हुआ है। अगर आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शायद 20 कितना आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए अगर आपका ऐड करेंगे 120+360, राइट? 120+360 480, 660+1400 840, तो करीबन 1500 आपका मेन स्टूडेंट आ रहा है, राइट? 1500 इज योर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे स्टूडेंट का, टोटल स्ट्रेंथ आपका 1500 है, राइट? सो उसके बाद दिया हुआ है लैब क्लासेस इन अ ईयर 144-156, तो टोटल 300 हो गया। नंबर ऑफ एग्जामिनेशन इन अ ईयर, सब सारे स्टूडेंट्स के दो दो एग्जामिनेशन लगेंगे, तो एक ही बात है। नंबर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू नंबर ऑफ एग्जामिनेशन इन अ ईयर करते हैं तो 120 × 2 मतलब 240 एग्जामिनेशन उस हिसाब से, तो एक ही बात है उसका रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 2:2:2 सब में कॉन्स्टेंट है। टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी पर स्टूडेंट दिया हुआ है, एक स्टूडेंट 180 घंटा स्पेंड करता है तो 120 कितना, 360 कितना, उस हिसाब से सबका आ जाएगा। टाइम प्रिंसिपल ने टोटल में कितना टाइम स्पेंड किया है वो भी दिया हुआ है यहाँ पे, 208, 312, 480, दैट कम्स टू 1000, एंड 1400 प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शन में दिया है। नंबर ऑफ टीचर्स है 4, 5, 6 को जोड़ेंगे तो 15 आता है, राइट? 4, 5, 6 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, राइट? अभी अपने को बोला एक टीचर है इकोनॉमिक्स पढ़ाती है आर्ट स्ट्रीम में, मतलब टीचर है आर्ट स्ट्रीम की लेकिन वो कॉमर्स का को भी इकोनॉमिक्स पढ़ाती है। टोटल में 1040 क्लास लेती है पूरे साल में, जिसमें से 208 है कॉमर्स के, तो इसका मतलब जो आर्ट स्ट्रीम का जो एक टीचर है, राइट, आर्ट स्ट्रीम का, राइट, जो एक टीचर है वो 1040 क्लास लेता है पूरे साल में और वो 208 क्लास कॉमर्स स्टूडेंट को देता है, तो उसका सैलरी का प्रोपोर्शनेट हिस्सा रीअपोर्शनमेंट हो जाएगा।
एक टीचर है साइंस का जो कॉमर्स के बच्चों को भी मैथमेटिक्स पढ़ाता है, वो 1100 क्लास में 160 क्लासेस कॉमर्स के बच्चों को देता है। पियॉन इज फुल्ली डेडिकेटेड फॉर हायर सेकेंडरी सेक्शन, राइट, एक पियॉन, और बाकी पियॉन्स 15% टाइम डिवोट करते, तो पियॉन की सैलरी आ जाएगी फॉर द एचएस सेक्शन। सारे स्कूल के बच्चे इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन एज, हायर सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो, कोई भी हो, एनुअल फंक्शन और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेते हैं। तो अपने को सबसे पहला क्वेश्चन बोला है कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम फॉर ऑल द थ्री स्ट्रीम्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का नहीं बोला है। अगर आप गौर से देखेंगे तो नंबर ऑफ टीचर्स का जो हिसाब है ना, इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ टीचर्स, तो 4, 5, 6, 15, ऊपर में 15 टीचर का ही सैलरी दिया है। इसका मतलब यहाँ पर जो सैलरी है वो सैलरी खाली हायर सेकेंडरी सेक्शंस वाले टीचर्स का है, प्राइमरी और सेकेंडरी का नहीं दिया हुआ है, राइट। आइए, सो हम लोगों को सबसे पहले टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर स्टूडेंट फॉर एचएस सेक्शन निकालना है, राइट। आप लोग ऐसा एक स्टेटमेंट बनाइए जिसमें तीन सेक्शन स्ट्रीम वाइज अपने को दिखाना है। तो नोट नंबर वन में सबसे पहला काम क्या किया, 35,000 पर मंथ एक टीचर का सैलरी है, तो 12 महीने का 4,20,000, राइट। आर्ट स्ट्रीम में 4 टीचर हैं, कॉमर्स में 5, साइंस में 6, तो मल्टीप्लाई करके हमने सबका सैलरी लिख दिया, राइट। अब आर्ट्स के जो 4 टीचर है उसमें एक टीचर जिसकी एनुअल सैलरी है 4,20,000, वो टोटल क्लास लेती है 1,040, इसमें से 208 क्लास कॉमर्स का लेती है, तो यहाँ से उसका सैलरी निकाल के पहले मैंने अपोर्शनमेंट कर दिया, 4,20,000 एक टीचर का है तो 4 आर्ट्स का हो गया 16,80,000, 21,00,000, 25,00,000, 20,000, इस तरीके से, राइट। ठीक है, इज दैट फाइन। सो अगर आप देखेंगे तो पहले मैंने टीचर के सैलरी को अपोर्शनमेंट कर दिया, फिर मैं उसका करूंगा री अपोर्शनमेंट। क्या करूंगा मैं उसका? री अपोर्शनमेंट करूंगा। तो आर्ट्स का एक टीचर का सैलरी हो गया 4,20,000, उसमें से वो 1,040 क्लास लेती है, 208 क्लास उसका कॉमर्स का, तो यहां से निकालकर यहां डाल देंगे। वैसे ही साइंस स्ट्रीम का एक टीचर का सैलरी होगा 4,20,000, उसमें 1,100 क्लास वो 160 क्लास कॉमर्स का लेती है, उसको से यहाँ से निकाल कर यहाँ डाल दिया, तो हमारा टीचर सैलरी आ गया, उसको हमने ऊपर में बैठा दिया यहाँ पर, राइट। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग पॉज करके काइंडली इसको कॉपी कर लीजिएगा, इज दैट फाइन। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल सैलरी, तो प्रिंसिपल 208 घंटा देती है, आर्ट स्ट्रीम को 312 घंटा, 480 घंटा, 1400 घंटा, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल 2400 घंटा काम कर रही है, उसमें से 208 घंटा, तो उसका सैलरी 14,40,000 है। उस हिसाब से जितना आवर्स उसने डिवोट किया, अपने को प्राइमरी एंड सेकेंडरी का नहीं दिखाना है, तो वो पार्ट हम लोग नहीं दिखाया है। टीचर सैलरी तो खाली एचएस सेक्शन का है, क्योंकि टोटल 15 दिया और यहाँ पे 15 यूटिलाइज हो जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल तो पूरा स्कूल का है, तो जितना टाइम टोटल टाइम अगर आप देखेंगे 208, 312, 480, 1400, 2400 घंटा आ रहा है, उसमें से 208 घंटा वो यहाँ दे रही है, 312 यहाँ, 480, तो बाकी जो 1400 घंटा जो वो अपने को नहीं दिखाना है, क्योंकि अपने को प्राइमरी एंड सेकेंडरी का कैलकुलेशन वो लोग पूछा नहीं है, तो उस हिसाब से मेरा प्रिंसिपल का सैलरी भी आ गया, इसको अपने ऊपर बैठा देंगे। ठीक है,
तो ये हमारा ऊपर में आ गया यहाँ पे प्रिंसिपल सैलरी नोट टू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट सैलरी। राइट, नाउ लैब अटेंडेंट खाली साइंस और प्राइमरी, तो अपने को खाली साइंस वाला पार्ट निकाला, तो 300 में से 144, तो लैब अटेंडेंट का सैलरी कितना है 360 डिवाइड बाई 300 क्लासेस, उसमें से साइंस स्ट्रीम में 144 क्लास यूज हो रहा है, तो उस हिसाब से मेरा लैब अटेंडेंट का सैलरी आ गया साइंस स्ट्रीम में। इन दोनों में तो होगा ही नहीं, देयर इज नो एलोकेशन आउट हियर। लाइब्रेरी स्टाफ, नाउ लाइब्रेरी स्टाफ का सैलरी अपने को टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट्स इन लाइब्रेरी पे जाएगा ना, वो पर स्टूडेंट दिया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मेरे को टोटल नंबर ऑफ आवर्स आएगा। राइट, तो नोट नंबर 4 में इसको दिखाया गया है, सैलरी नोट नंबर 3 में, तो ध्यान दीजिएगा 120 स्टूडेंट है और एक एक स्टूडेंट 180 घंटा स्पेंड कर रहा है, 320 स्टूडेंट है 120 आवर, 180 स्टूडेंट है 240 आवर्स, 21,600 घंटा टोटल लाइब्रेरी में आर्ट्स का बच्चा लोग स्पेंड किया है टाइम, 43,200 टोटल बच्चा लोग, आरटीपी में इसका गलत दिया हुआ है, दे हैव सिंपली डन इट ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, आवर में नहीं होगा, इट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू एंड देन। अच्छा, तो ये आ गया, अभी प्राइमरी सेकेंडरी का निकालना नहीं है, बट अपोर्शनमेंट में वो काम आएगा क्योंकि ये टोटल लाइब्रेरी स्टाफ का सैलरी दिया हुआ है। अच्छा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का है 840 बच्चा 60 घंटा करके वो लोग यूज कर रहा है, तो 50,400 घंटा, तो ये इसका टोटल आ रहा है 1,08,000 आवर और प्लस 50,400, तो हो गया 1,58,000 आवर, 58,400 आवर। उसमें से जो जितना आवर यूज कर रहा है इसका सेम है बोल के मैंने नहीं दिखाया, तो उस हिसाब से इसका एलोकेशन ये आएगा। सिंपल है, कुछ करना नहीं है हम लोगों को। ठीक है, डन। अच्छा, उसके बाद सैलरी टू पियोन, पियोन चाटो है, तो एक पियोन का तो पूरा सैलरी लेंगे और बाकी 3 का 15% लेंगे, एक पियोन का पूरा लेंगे और बाकी 3 का 15% लेंगे, तो ये जो आएगा ना ये खाली एचएस डिवीजन का आया है क्योंकि पूरे स्कूल का दिया हुआ है, एक पूरा डेडिकेटेडली है, बाकी 3 15% टाइम डिवोट कर रहा है, तो 1,74,000 जो आ रहा है। राइट, 1,74,000 जो आ रहा है, राइट, वी आर गेटिंग हाउ मच, 1,74,000, दैट इज प्योरली फॉर एचएस सेक्शन, तो इसीलिए इसको एचएस के बच्चों में ही डिवाइड किया गया, एचएस के बच्चों का टोटल है 660, 120 प्लस 360 प्लस 180,
तो उसमें डिवाइड किया तो मेरा ये ब्रेकअप आ रहा है। इज दैट फाइन? एनी प्रॉब्लम? थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट था बोल के मैंने आई हैव प्रेफर्ड कि आप, आई नो यू आर बेस्ट एट कैलकुलेशंस, क्योंकि हम लोग को एग्जाम पेपर भी, अगर एग्जाम पेपर होता तो मैं आपको कैलकुलेटिव पार्ट भी, या आरटीपी है तो चल जाएगा, और इंस्टीट्यूट के जो आरटीपी का जो सॉल्यूशन है वो गलत है, लाइब्रेरी अटेंडेंट का सैलरी वो लोग गलत डिवाइड किया। एनीवेज तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पियोन हो गया। नाउ सैलरी टू अदर स्टाफ, ऑफिस, एनुअल डे, स्पोर्ट्स, ये सारा स्कूल एक्टिविटी एंजॉय कर रहा है। एनुअल और स्पोर्ट्स एक्सपेंस के लिए तो लिख दिया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में सारा बच्चा लोग इसका सर्विस लेता है, अदर स्टाफ में भी, तो ये जाएगा प्योरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये जाएगा प्योरली। अच्छा, एग्जामिनेशन भी जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे, मैंने इसको लास्ट में इसलिए लिखा है, एक्चुअल में होगा नंबर ऑफ एग्जामिनेशन पे, सबका 2-2-2-2 है तो कॉमन में वो कट जाएगा, तो इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही आएगा रेशियो में, तो इसीलिए मैंने नोट 5 में अलग से ऑल अदर एक्सपेंसेस, इसमें अदर स्टाफ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, राइट, एनुअल डे एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस, ये सब सारा का सारा खर्चा जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड अदर्स, हिसाब से देखा जाएगा तो रेशियो में 60 कॉमन आ रहा है, ऐसे तो है तुम्हारा 660 प्लस 840, 1500 बच्चा, बट रेशियो में निकाल लो तो 2:6:3:14, टोटल इज 25, तो आर्ट्स में आएगा 2/25, 6/25, 3/25, 14/25 तो अपने को करना नहीं है। तो ये पांचों खर्चा को मैंने लाइन से, राइट, ये सारा जो एक्सपेंडिचर है ना हमारा, ये यहाँ पे तो 2/25, 6/25, ये लाइन से जितना भी है, ये पांचों 3/25 सबको डिवाइड करके मेरा ये टोटल कॉस्ट आ गया, मैंने जोड़ भी लगा दिया आपके लिए बेटे, सिर्फ 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 और सिर्फ आपके लिए। देखो 18 मिनट हो गए, मैं खाली डिस्कस कर रहा हूं, मतलब आप भी ये मन में चलाएंगे ये सब बातें, आपको भी तो भैया सम पढ़ के आना चाहिए ना, तो 18 मिनट तो सोचो सॉल्व करने में कितना टाइम वेस्ट होता है, इसलिए प्रेफर्ड कि मैं इसको सॉल्व करके आपके सामने रख दूं। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया, अब इस टोटल कॉस्ट को हमने डिवाइड कर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, तो हमारा कॉस्ट पर स्टूडेंट आ गया, पहला पार्ट हमारा हो गया है, द फर्स्ट पार्ट हैज बीन सक्सेसफुली डन, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, तो हमारा कॉस्ट पर स्टूडेंट आ गया पर एनम। अभी अपने को पार्ट टू में क्या बोला है, पार्ट टू में हम लोगों को बोल रहा है कि आप बताइए अगर मैनेजमेंट 1000 रुपया पर मंथ पर बच्चों से लेता है तो स्ट्रीम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी बताओ। ये लो बेटे, अगर आप 1000 रुपया लेते हैं तो आप 12000 करके लेंगे बच्चों से, राइट, आप कितना लेंगे बच्चों से 12000 करके, ये आपका खर्चा लगेगा,
तो आपका प्रॉफिट लॉस पर स्टूडेंट आ गया इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करने से हमारा टोटल प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। ये तो सिंपल है बेटा, मेन जो पार्ट था फर्स्ट पार्ट था हमारा, एग्जामिनेशन में अगर ये सम आएगा तो उसमें क्या करेगा वो लोग, अगर उसको इन सम को 10 नंबर में देना है तो जो इतने सारे जो अदर एक्सपेंसेस है ना जिनको मैंने नंबर, उसमें से एक या दो देगा या हमको छोटा कर देगा। सेकंड पार्ट में बोल रहा है, बहुत सिंपल पार्ट है ये एकदम, 1000 करके पर मंथ 12000 ले रहे, ये आपका कॉस्ट पर स्टूडेंट आ गया, तो प्रॉफिट लॉस पर स्टूडेंट आ गया इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल तो आप देखिए आई एम अंडर ह्यूज लॉस, 10-11 लाख के आसपास का मेरे को लॉस है। 800-700 लॉस में ही जा रहा है। सो पार्ट थ्री में हैव डिसाइडेड कि मैं 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लूंगा बच्चों से, 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, जो भी हमारा कॉस्ट आ रहा है ना उसका मैं 10% लूंगा। तो उस हिसाब से हमारा फीस पर एनम क्या आएगा और फीस पर मंथ क्या आएगा, तो इतना इतना फीस हमको लेना चाहिए बच्चों से। एंड ये स्वाभाविक सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि साइंस के बच्चों का फीस कंपैरेटिवली कॉमर्स के बच्चों से ज्यादा होना ही है, क्योंकि उनमें लैब यूज आता है, उनका लाइब्रेरी यूज बहुत ज्यादा होता है, राइट। आप लोग देखा करते होंगे जब आप लोग बचपन में, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आप में कंप्यूटर फीस जोड़ दिया जाता है, आप में ये जोड़ दिया जाता है, आप में वो जोड़ दिया जाता है, दुखी तो होते हैं आप बट क्या कर सकते हैं। Is that fine? समझ में आ रहा है सबको? बोलिए, right? So now we will move to question number 10, which is very important, standard costing, जो हम लोग पूरा क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। Answer to क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का समय हम लोगों को सबसे पहले बना लेना चाहिए कॉस्ट कार्ड। बचपन से लेके अभी तक मैंने आपको यही सिखाया है, सम मिलते ही कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, इनपुट रेट कॉस्ट, इनपुट रेट कॉस्ट। ये हमारा कॉस्ट कार्ड रेडी हो गया, अभी अपने को सम पढ़ना है और फटाफट कॉस्ट कार्ड को बना लेना है। हमारा कॉस्ट कार्ड क्या बोलता है ध्यान से देखिएगा, मटेरियल ए है, बी है, स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड है। मटेरियल ए, मटेरियल बी, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, आठ सौ छह सौ केजी, रेट दिया हुआ है 90-60। लिखता है नॉर्मल लॉस 10% ऑफ टोटल इनपुट, तो टोटल इनपुट कितना है हमारा 1400, 1400 का 10% माइनस कर दो तो मतलब 1260 किलो का ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है।
1260 किलो का ये स्टैंडर्ड है, द स्टैंडर्ड इज ऑफ 1260 kg। रिमेंबर 1260 किलो का ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, अपने को बेंचमार्क देता है ना, स्टैंडर्ड देता है, राइट लेकिन उस स्टैंडर्ड को जब एक्चुअल से कंपेयर करेंगे तो डोंट फॉरगेट इट टू फ्लेक्स। जो अपने फ्लेक्स करते हैं ना, मेक इट स्टैंडर्ड को एज पर एक्चुअल लेके आते हैं, एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से। एनीवे, स्किल्ड लेबर बोला है, कितना बोला है स्किल्ड लेबर, 1000 और 800। लेकिन क्वेश्चन में लिखा आइडल टाइम ऑफ 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आवर, मतलब स्टैंडर्ड में है, तो अपने क्या करेंगे, आइडल टाइम को स्टैंडर्ड में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो आइडल टाइम माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 950 घंटा, 5% गया, और ये आ जाएगा 760 आवर। सो दिस इज 75 एंड दिस इज 44, राइट। ये कॉस्ट निकाल कर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, इसको अपने कहीं यूज नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल क्या है हमारा, बोलो व्हाट इज आवर एक्चुअल, 1480 kg। वाओ, 1480 kg के हिसाब से सब कुछ दिया हुआ है। बोलिए कितना कितना दिया हुआ है, 900, 650 kg, वेरी गुड। ये कितना है, 1200 घंटा, 860 घंटा। भाव क्या है, बोलो भाव, एट्टी सिक्स। राइट, 86, 65, 71, 46, तो मल्टीप्लाई करके 77,400, 42, 250, 85,200, 39,560। इज दैट फाइन। तो सबसे पहला तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 1260 किलो आउटपुट, जो हमारा ये भी जो भी इनपुट है ना, ये 1260 के हिसाब से है, अपने को 1400 के 80 के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो पहले स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए, ए का, बी का, स्किल्ड लेबर। अच्छा पहले मटेरियल का कर लेते हैं, एक ही बात है, फिर लेबर का बाद में कर लेंगे। सो 800 चाहिए 1260 के लिए, तो 1480 के लिए कितना, 600 चाहिए 1260 के लिए, तो 1480 के लिए कितना, राइट बताइए कितना आ रहा है। नाइन फोर्टी किलो अप्रोक्स इसका, 705 kg अप्रोक्स, ठीक है, डन। अभी अपने को बोला कौन कौन सा वेरिएंस है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, मटेरियल का प्राइस
मिक्स यील्ड सारा ही बोला है, लेबर का कॉस्ट एफिशिएंसी यील्ड तीन बोला है, ठीक है। टाइम नहीं है हमारे पास, जितना बोलेगा उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग के पास टाइम भी नहीं है। तो इसका यील्ड बोला है ना, तो इसमें अपने को टोटल एक्चुअल टोटल एक्चुअल इनपुट इन स्टैंडर्ड रेशियो निकालना है। इसी को तो अपने स्टैंडर्ड मिक्स बोलते हैं ना, क्योंकि मिक्स और यील्ड के लिए चाहिएगा। तो टोटल एक्चुअल इनपुट है कितना, कल इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1550 आएगा, राइट। सो 1550, 1550 इनटू इनका आपसरी का रेशियो है 4:3, 4/7, 3/7, 1550 kg इन 4:3। आ जाइए बोलिए कितना, 886 kg और 664 kg, 1550 इंटू 4/7, 1550। अभी क्या क्या बोला है, कॉस्ट बोला है, प्राइस बोला है, मिक्स बोला है, यील्ड बोला है। कॉस्ट प्राइस मिक्स यील्ड, फटाफट एमसीवी, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल इनपुट इनटू एक्चुअल रेट, ये हमारा फॉर्मूला है। सो ए बी बताइए, स्टैंडर्ड इनपुट है 940,705, 940,705 इंटू स्टैंडर्ड रेट है आपका 9060, 9060, वेरी गुड, माइनस एक्चुअल इनपुट एक्चुअल रेट दे दिया 77,400, 77,400 एंड 42,250। आ जाइए फटाफट बताइए तो कितना आ रहा है, जल्दी बताओ भैया। ओके 940 इंटू 90 जो भी आ रहा है उसमें से 77,400 माइनस कर दो तो 7,200 फेवरेबल, फिर 705 इंटू 60 जो भी आ रहा है माइनस 42,250 तो ये आ रहा है 50 फेवरेबल, तो 7,250 मेरा फेवरेबल आ गया। चेक मैन, इज दैट फाइन, बोलिए एनी प्रॉब्लम। प्राइस वेरिएंस दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट माइनस सॉरी रेट का फर्क आएगा ना यहाँ पे, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल इनपुट, ए बी 90,060, 86,61 इंटू 900,650, 86,65 सॉरी 86 और 65, 900,650, ठीक है 3600 फेवरेबल, वेरी गुड 5, तो यह आएगा 3250 एडवर्स, तो आ गया 350 फेवरेबल। हैव अ लुक, कुछ है नहीं इसमें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम में कुछ भी नहीं होता, सीधा वेरिएंस निकालते हैं। वो समझाने के टाइम में हमारे को 3 क्लास 4 क्लास लगा था, बट सम करते वक्त अपने को 10 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इफ यू कंज्यूम टाइम इन दिस। नेक्स्ट
मटेरियल मिक्स वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ए बी कितना है 886, 664, 900, 650 टू 90, 60, यहाँ पे 14 ज़्यादा यूज हुआ है, यहाँ पे 14 कम यूज हुआ है, राइट? सो इट्स लाइक 14 इंटू 90, 1260 एडवर्स, इट विल बी लाइक 14 इंटू 60, 840 फेवरेबल, सो वी हैव 420 एडवर्स. It's like standard input minus standard mix into standard rate. नौ सौ चालीस माइनस 886, 705 माइनस 664 इंटू 90 इंटू 60. फोर एट सिक्स जीरो फेवरेबल, सेवन जीरो फाइव माइनस सिक्स सिक्स फोर, एकदम इजी है. हमको तो पूरा मेरा ब्लड में आ गया है फॉर्मूला. हम क्या करें, नथिंग कैन बी डन, डोंट लाफ. स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्किल्ड अनस्किल्ड, तो अपने को दिया है 950 दिया है 1260 के लिए, तो 1480 के लिए कितना होगा, 1116 आवर, ठीक है. ये है 760 1260 के लिए कितना होगा, 893 आवर. राइट. और ये रेशियो आपस में 5:4 का. और इसका टोटल आ रहा है 2060 आवर इन 5:4.
ठीक है। हेलो, तो 2060 इंटू 5/9 कितना आ रहा है? 1144 आवर्स। और 2060 इंटू 4/9 916 आवर, राइट। अब इसमें ध्यान से देखो, अपने को बोला जो जो है वही वही निकालना, ज्यादा दिमाग मत लगाना अपना। एलसीवी बोला है तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक ही बात है। तो स्किल्ड अनस्किल्ड वन वन सिक्स और 893, 1116 आवर, 893 आवर। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 7544। एक्चुअल कॉस्ट है 85200, 39560। एटी फाइव टू हंड्रेड 39560। राइट, वन 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 सिक्स इंटू 75 माइनस 85200, 1500 एडवर्स। 893 इंटू 44 माइनस 39560, 268 एडवर्स, 1768 एडवर्स। और क्या पूछा है? लेबर एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्किल्ड अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड आवर है 1116 आवर, 893 आवर माइनस एक्चुअल कितना है? 1200 और 860, 1200 860, 75 and 44, 1116 into sorry minus 1200
राइट, स्टैंडर्ड आवर माइनस स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, थ्री वन वन टू एडवर्स। समझ में आ गया सबको? सो इस तरीके से ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम होगा। Is that fine everyone? Anyone has any problem? Can ask me now. आप लोगों को पीछे सबको समझ में आ रहा है? Very good. Right? बेटे जितना practice करोगे ना उतना अच्छा होगा. Right? अब ये सारा सम्स बाद में revise नहीं करना, because maximum आधा से ज्यादा सम तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों का किया हुआ है. अगर आपको कुछ कुछ ऐसा लग रहा है तो उसको आप मार्क करके रखिए, वो आप देख लीजिएगा पहले. अब जैसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सम तो उसमें देखने लायक कुछ है ही नहीं, राइट? Is that fine? आइए. So अगला क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का, राइट? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11. A limited manufacture and sales its product R9. The following figures have been collected from cost record of last year for the product R9. Direct material bolta hai COGS ka 30% hai, direct labor COGS ka 15% hai. Factory overhead bolta hai COGS ka 10% hai, lekin uska ek fixed part bhi hai, wo bhi de diya. Wow. राइट, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोलता है सीओजीएस का 2% है, उसमें भी एक फिक्स पार्ट दिया हुआ है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल्स का 4% है, उसका भी एक फिक्स पार्ट दिया हुआ है, राइट? 5000 यूनिट मैंने बेचा था
185 करके लास्ट ईयर, डिटरमाइन ब्रेक इवन सेल प्रॉफिट अर्न मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और इस साल का प्रॉफिट पूछा अगर 10% लेस है सेल्स तो फाइन एनफ, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू. ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, कैसे होगा देख लीजिए एक बार. ठीक है, नाउ ध्यान से देखो, अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करता हूं तो एक होगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक होगा फिक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, नाउ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मटेरियल लेबर एट फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव चार चीज है ना, मटेरियल लेबर तो ये आ रहा है 30 + 15 + 10 + 2 राइट. मैंने भी ये सम फर्स्ट टाइम देखा है, इस टाइप का सम नया है मजार में या आरटीपी में, इस बार नया टाइप का सम दिया है. सीओजीएस का दो पार्ट होता है, एक होगा फिक्स पार्ट एक होता है वेरिएबल पार्ट. राइट, तो आप लोग देखे 30, 15, 10 तो 57% हो रहा है. तो इसका मतलब 30, 15, 10, 45, 10, 55 और 2, 57 तो ये है 57% ऑफ सीओजीएस और फिक्स दे दिया 231 और 71. तो इसका मतलब इसको इधर ले जाएंगे तो 43% ऑफ सीओजीएस इज व्हाट, 301,000 और 301,000 बाय 43%, 301,000 बाय 43% करो कितना आ रहा है देखो जल्दी से, 301,000 बाय 43% ₹7,00,000 आ गया मेरा सीओजीएस. ठीक है, तो इसका ब्रेकअप समझ में आ गया, वेरिएबल सीओजीएस है 7,00,000 का 57% और फिक्स्ड सीओजीएस है 301,000 into 0.53 तो यार है 3,99,000. ये अभी तक के लिए ये निकाला पहला वर्किंग नोट से, ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है, अभी एनालिसिस चल रहा है. राइट, इस टाइप का सम थोड़ा दिमाग लगाने से ऑटोमेटिकली आ जाएगा.
अब सेम तरीके से एक बार आपको लिंक मिल जाएगा ना, उसके बाद आप आगे रुकेंगे नहीं। सेम तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है, COGS प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। राइट, तो COGS तो 7 लाख आ गया, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बोल रहा है, 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल प्लस फिक्स पार्ट कितना बोला है, फिक्स पार्ट 68, इसको खोल देंगे इधर आ जाएगा, तो 96% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू 7,68,000 और कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा 7,68,000 डिवाइडेड बाय 96%, दैट इज 8 लाख। तो इसमें दो ब्रेकअप क्या आएगा, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड और फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड होगा 8 लाख आ गया। अभी नोट 3 ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स 8 लाख है, इसका दो पार्ट होता है, COGS 7 लाख पता है, तो सेलिंग ओवरहेड कितना होगा, 1 लाख। अच्छा, इसमें वेरिएबल COGS कितना है, 399 और फिक्स COGS है 301,000। अब इसमें वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड कितना है, 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, रिमेंबर इसका 4%, सो दैट इज कमिंग टू 32,000 और फिक्स सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है 68। देखा, मिला के हो गया ना 1 लाख। हाँ या ना, तो इससे मैं दो कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया हूं। पहला कंक्लूजन है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 399 प्लस 32, दैट कम्स टू 4,31,000 और टोटल फिक्स कॉस्ट है 301,000 प्लस 68, दैट कम्स टू 3,69,000। ये कंक्लूजन मैंने ड्रॉ कर लिया है। इज दैट फाइन? अभी अपने को इनकम स्टेटमेंट बनाना है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के हिसाब से, हमारे को तो वही भाता है ना, इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट कैसा बनता है,
सेल्स 5,000 यूनिट्स इनटू 185 कितना आ रहा है? नौ लाख पच्चीस लेस वेरिएबल कॉस्ट, फोर लाख 31, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 4,94,000। लेग्स फिक्स कॉस्ट 4,94 आ जाएगा, 4,94 - 369 आ गया हमारा प्रॉफिट 1,25,000। तो ये हमारा एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, दिस इज आवर पीएल। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के हिसाब से हमारा ये पीएल है। इज दैट फाइन? प्रवीण नहीं है क्या? मेरे पास नहीं है। ठीक है, अभी अपने को क्या क्या बोला है? सबसे पहला बोला है ब्रेक इवन सेल्स निकालो। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट ईयर आ गया, हम लोग का पार्ट टू का आंसर पहले ही आ गया। लो बेटा, ये पार्ट टू का आंसर हो गया, पहले ही आ गया हमारा। ठीक है, अपने में ले आए ना सम को पार्ट वन, तो उसके लिए अपने को पीवी रेशियो चाहिए। पहले 494/925 इंटू 100, दैट कम्स टू 494/925 इंटू 100, 53.41%। ये हमारा तो ब्रेक इवन सेल होगा 3,69,53.41%। राइट, जाएगा 690882, दिस इज आवर ब्रेक इवन सेल्स। इनकम स्टेटमेंट बनाने से हमारा ऑटोमेटिकली अपने पे आ गया ना सम। ये तो हमारा को अजीब टाइप का कैलकुलेशन बोला था, हम लोगों ने कर लिया। राइट, करने के बाद सुनो, हम अभी निकल जाएंगे। ठीक है, गेट खोल के चेक कर लो, हम नहीं आ पाएंगे फिर वापस। इज दैट फाइन? सो हमारा ब्रेक इवन सेल आ गया, पार्ट टू हो गया है। पार्ट थ्री में अपने को एमओएस पहले रुपीस में निकाल लो। तो कैसे आएगा? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स कितना आ रहा है? 925 से 9,25,000 से माइनस 690882 234118
25.31%, ठीक है। अब लास्ट पार्ट बहुत सिंपल है, पार्ट टू तो हो ही गया ना, हम लोग अपनापन में लाया तभी पार्ट टू हो गया था, प्रॉफिट आ गया था हमारा, राइट। वंस यू नो दीज थिंग्स, ऊपर क्या हुआ था घटना उसे मतलब ही नहीं अपने को। सो हमारा पीवी रेशियो आ गया, ब्रेक इवन सेल हो गया, एमओएस आ गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज आ गया। अभी अपने को पार्ट फोर में बोला है अगर वॉल्यूम 10% से गिरेगा तो नया प्रॉफिट बताओ। तो न्यू प्रॉफिट विल बी न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो पुराना कॉन्ट्रीब्यूशन 494 है और वॉल्यूम अगर 10% से इफेक्ट होगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी 10% से इफेक्ट होगा। राइट न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? वॉल्यूम 10% से इफेक्ट हुआ है सो सेल्स भी प्रोपोर्शनली कम होगा, वेरिएबल तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी प्रोपोर्शनली कम हो गया, -369। सो दैट कम्स टू हाउ मच? 494 इंटू 0.9 -369। डन। सो दिस इज हाउ वी शुड डू इट। मेन इसमें वो एनालिसिस वाला पार्ट था, उसके बाद तो रेस्ट थिंग्स आर इजी।